Hello guys, welcome to Agrochum Bhopal. Today we will see some important propagation method of particular crop. So first one is pomegranate. इसमें हम आपको propagate करते हैं air layering के through, okay? फिर second crop है आपकी carnation. इसमें करते हैं हम stem cutting के द्वारा propagation. फिर है sapota. Sapota में करते हैं softwood grafting and approach grafting. After that cashew nut. Cashew nut में करते हैं हम softwood cutting. ये क्वेश्चन आपका कैस्ट्री नट का पूछा जा चुका है ऑलरेडी. फिर है आपका सिट्रस. सिट्रस में बडिंग, ग्राफ्टिंग, गुआवा, गुआवा आपका लेयरिंग करते हैं, ओके. फिर आपका आता है ग्रेप. ग्रेप में कटिंग, ग्राफ्टिंग करते हैं. फिर कुछ क्रॉप हैं जिन्हें हम सीड से प्रोपोगेट करते हैं, जैसे कि लेट्यूस, पपाया, टोमेटो, कोकोनट, ऑनियन. कोकोनट आपको नवा डॉम्स में से पढ़ना है जो मैंने आपको दे रखा है. ऑनियन, ब्रोकोली, ब्रिंजल, चिली सीड्स, ओके. फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट कल्टीवर्स हैं जो साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में यूज़ किए जाते हैं. पहला है आपका मेंडिने ऑरेंज. इसका आपका कल्टीवर है नागपुर, ओके. अब आपका मैंगो. दूसरा क्रॉप है आपका मैंगो. मैंगो कल्टीवर्स हैं आपके सिंधु, सिंधु रत्ना, केसर और अल्फोंसो. अल्फोंसो, ओके. फिर क्रॉप आपकी आती है सपोटा. सपोटा का है आपका, सपोटा को अपन चीकू कहते हैं. सपोटा का है काली पट्टी. फिर आपका क्रिकेट बॉल. क्रिकेट बॉल. फिर है आपका गुआवा. गुआवा के अंदर है आपका सरदार L49. सरदार L49. फिर है आपका स्वीट ऑरेंज. स्वीट ऑरेंज. स्वीट ऑरेंज का है न्यूक्लियर. न्यूक्लियर. देन आफ्टर आपका आता है पॉमेग्रेनेट. पॉमेग्रेनेट. पॉमेग्रेनेट में आपका है गणेश, G137. उसके बाद है भगवा, BHAGWA, भगवा. फिर आपकी क्रॉप आती है आंवला. आंवला. आंवला का है आपका बनारसी. बनारसी कृष्णा, ओके. फिर है आपका कोकोनट. कोकोनट का इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. कोकोनट आपको नवा नॉम्स में से करना है, याद रहे. तो पहला है आपका TND, प्रताप. फिर है आपका बनापाली. बनापाली, ओके. ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है. फिर आपका कैस्ट्री नट. कैश्यू नट ये आपको नवाट से पढ़ना है. कैश्यू नट. कैश्यू नट का है बीन, गुरला. इसकी फिर ब्रीड है जैसे 4 है 5 है 6 है 7 है और 8, ओके. ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कल्टीवर्स हैं, आपको याद रखनी रखने हैं. अब देखते हैं हम ग्रीन हाउस. डिफरेंट टाइप्स के ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस से पिछले साल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, ओके. ग्रीन हाउस देखते हैं अपन. तो ग्रीन हाउस है, पहला आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप टाइप. शेप टाइप के बेसिस पर, ओके. तो इसके अंदर पहला है आपका लीन टू लीन टाइप ग्रीन हाउस. लीन टाइप ग्रीन हाउस, ओके. दूसरा है इसमें आपका इवन शेप टाइप. इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस. ये आपका इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी रखना है. फिर उसके बाद है इसमें अनइवन. अनइवन
span type. अनइवन स्पैन टाइप. फिर है आपका क्वाइन सेट ग्रीन हाउस. क्वाइन सेट ग्रीन हाउस फिर है आपका सॉ टूथ टाइप ग्रीन हाउस. सॉ टूथ टाइप ग्रीन हाउस फिर आपका रिज एंड फॉरो टाइप. रिज एंड फॉरो टाइप ओके. फिर आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी टाइप ऑफ ग्रीन हाउस. ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ठीक है. इसमें पहला आया आपका फॉर एक्टिव कूलिंग. फॉर एक्टिव हीटिंग ग्रीन हाउस. फॉर एक्टिव हीटिंग. दूसरा आता है ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग. ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग ओके. फिर आपका आता है अलग टाइप और ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन टाइप. ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन पहला है इसमें आपका वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर. वुड एंड फ्रेम स्ट्रक्चर ओके. फिर दूसरा आता है आपका पाइप फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर. पाइप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ओके. फिर आता है ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. ट्रस फ्रेम स्ट्रक्चर्स ओके. फिर आपका है ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल. बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल्स पहला है इसमें आपका ग्रास ग्रीन हाउसेस. ग्रास ग्रीन हाउसेस. दूसरा आता है प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउसेस. प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउसेस. रिजिड पैनल ग्रीन हाउसेस. रिजिड पैनल ग्रीन हाउसेस. तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेस थे जो कंप्लीट हो चुके हैं. इनमें से पिछली साल दो क्वेश्चन आए थे आपके ओके. तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आपका ओके. और बाकी कुछ भी और बचता है मैं आपको टाइम टू टाइम डिलीवर करता चलूँगा. थैंक यू. कीप स्टडिंग.